हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने टेक्सटाइल मटेरियल्स के बारे में पढ़ा है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके की होती हैं, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है। हमारा आज का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स के की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। पिछले जो मुझे उम्मीद है कि पिछले जो चैप्टर्स होंगे उनको आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे और उनको रिकॉल नहीं करेंगे और अपनी क्वेरीज मुझ तक नहीं लाएंगे तो आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हमारा पिछला जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, यानी वस्त्र तंतुओं की विशेषताओं के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो तंतु होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक सामान्य तौर पर जब हम बाजार जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा कपड़ा है वो मजबूत हो, उसमें चमक हो, देखने में अच्छा लगे, आरामदेह हो, और भी जो जिस भी तरीके के कपड़ा है, यानी जो उसका एंड यूज है उस कपड़े का, उस तरीके की विशेषताएं हम उस कपड़े के अंदर चाहते हैं। अब ये विशेषताएं आती कहाँ से हैं और इन विशेषताओं के पीछे क्या कारण होते हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस चीज को, इस क्लास का, वो क्या है? वो ये है कि ये जो फाइबर प्रॉपर्टीज होती हैं इनको पढ़ना, इनको जानना क्यों जरूरी होता है। मैंने आपको बताया कि आप बाजार जाते हैं, आप कपड़ा पसंद करते हैं, आप कपड़ा कुछ आधार पर पसंद करते हैं, छू के देखते हैं कपड़ा चमकदार है कि नहीं, एक धुलाई में सूखेगा उसका रंग तो नहीं निकल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप ध्यान में रखते हैं, एज अ कंज्यूमर आप ध्यान में रखते हैं। एज अ प्रोड्यूसर, अगर कोई कपड़ा बनाने वाला धागा खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या बिकना, क्या वो बनाने वाला है और क्या वो बेचेगा। इसी तरीके से जो उत्पादन करने वाला है, फाइबर को का उत्पादन करने वाला है, वो जो कुछ भी बेच रहा है, जो कुछ भी वो उत्पाद बना रहा है और मार्केट में बेच रहा है, इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए कॉटन की कोई गिनिंग, कॉटन की इंडस्ट्री है जहां पर कॉटन आ रहा है और उसकी सफाई हो रही है और उसकी छटाई हो रही है, तो उस वहां भी ये जानना जरूरी है कि उस धागे को किस आधार पर उसकी ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग हर फाइबर की होती है, स्पेशली जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, सिल्क है, वूल है, इन सब की ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेक्स जो तंतु है उसमें क्या विशेषता है और किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपके लिए इसलिए इसको जानना जरूरी है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम ये जानेंगे कि ये डेनियर काउंट या जो तंतु की साइज है, उसका जो आकार है, उससे जुड़े हुए पैरामीटर्स, यानी जो मापदंड है, वो क्या-क्या होते हैं। किलो है, ग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम्स है, पौंड है, ये सब क्या है, पैरामीटर्स है किसी चीज को नापने के। तो इसी तरह से हम फाइबर्स को, यार्न्स को भी नापते हैं, उनके भी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो डेनियर है, काउंट है, या इसी तरीके की और भी इकाइयां होती हैं जिनसे हम फाइबर की को बताते हैं कि वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, उसका वजन कितना है। तीसरा है हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव, वो है कि जो विभिन्न प्रकार के जो आपके तंतु हैं उन के की जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का मतलब होता है उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार उसकी विशेषताओं को प्रभावित करती है।
अब इस स्ट्रक्चरल फैक्टर का मतलब क्या निकला? स्ट्रक्चरल फैक्टर यानी स्ट्रक्चरल, कोई भी चीज होती, कोई भी वस्तु होती, कोई भी मैटर होता है, वो एटम से मिलके बना होता है, एटम बॉन्ड से मिलके बने होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ये उसके स्ट्रक्चरल फैक्टर में आती है। आने वाले अभी कुछ समय में हम इसको पढ़ेंगे। फिर है हमारा कि ये जानना कि तंतु की फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो किस किस प्रकार से, उसमें भौतिक विशेषताएं होती हैं, उसमें यांत्रिक विशेषताएं होती हैं, और उसकी रासायनिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो भौतिक विशेषताएं जैसे कपड़ा छूने में कैसा लगता है, कपड़ा देखने में कैसा महसूस होता है, कपड़े में कितनी चमक है, ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और मैकेनिकल के अंदर आता है कि उसमें कितनी थर्मल, उसमें कितनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये इस तरीके की चीजें हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और कुछ एडिशनल फिनिशिंग के बाद भी हम डालते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आके डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं यार्न नंबरिंग सिस्टम से। ये यार्न नंबरिंग सिस्टम क्या होता है? यार्न नंबरिंग सिस्टम यार्न को बताने की, यानी यार्न की लंबाई उसकी उसके मास की तुलना में, उसके वजन की तुलना में क्या है, ये बताता है हमारा यार्न नंबरिंग सिस्टम। ये भी बताता है कि जो धागा है वो कितना मोटा है, कितना पतला है, ये यार्न नंबरिंग सिस्टम से हम पता करते हैं। तो दो तरह के सिस्टम प्रचलित हैं पूरी दुनिया में, एक है डायरेक्ट सिस्टम और एक है इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम को आप इस तरह समझिए कि यहाँ पर जो लेंथ है वो एक रहती है, यानी ये बदलेगी नहीं, ये वही रहेगी। मास बदल सकता है यहाँ पे, लेकिन लेंथ उतनी ही रहेगी। इनडायरेक्ट सिस्टम में लेंथ वही रहती है, मास बदल जाता है। आप समझ रहे हैं? लेंथ यहाँ पर वही रहेगी और यहाँ पर उसका जो यूनिट मास है वो कितना है, 840 यार्ड्स का। फॉर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 840 यार्ड्स का हमारी लंबाई है और उसका वजन कितना है, यहाँ पर 1 पाउंड वेट है। तो आप यहाँ पर इस चीज को समझिए कि यहाँ पर हमारा जो मास है वो एक ही है, लेंथ बदल रही है, यहाँ पर हमारा मास बदल रहा है और यहाँ पर हमारा जो हमारा मास है वो बदल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आप यहाँ इस चीज को देखिए, जैसे जो डेनियर है वो क्या चीज होती है? डेनियर है 9,000 मीटर जो हमारा यान है उसका वजन कितना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे आप देखिए कि 9,000 मीटर अगर कोई धागा है और उसका वजन है 30 ग्राम, कितना 30 ग्राम, तो उसका डेनियर कितना कहलाएगा, 30 डेनियर। अगर 9,000 मीटर का वजन है 40 ग्राम तो उसका डेनियर कितना कहलाएगा, 40 ग्राम। उसी तरीके से ये बढ़ता या घटता चला जाता है। तो ये क्या कहलाता है उसका, ये कहलाता है डेनियर, जब हमारा हम 9,000 मीटर धागे से उसको उसकी तुलना करते हैं। फिर होता है हमारा टेक्स। टेक्स का मतलब क्या हुआ? टेक्स का मतलब हुआ हमारा कि 1,000 मीटर धागे का वजन कितना है। उदाहरण के लिए 30 टेक्स का मतलब होता है 1,000 मीटर लंबे धागे का वजन हो 30 ग्राम। अब ये 30 ग्राम भी हो सकता है, ये 40, ये 50 या 60, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है
जैसे मान लीजिए कि यहां मैंने कहा 10 टैक्स, तो 10 टैक्स का मतलब कि धागा पतला है, तो यहाँ 20 टैक्स का मतलब धागा मोटा है। तो जितना कम टैक्स होगा उतना ही धागा पतला होता चला जाएगा, ये इसको आप समझिए। और ये जो डायरेक्ट सिस्टम हम काम में लेते हैं वो लेते हैं हम फिलामेंट यार्न्स के लिए, जबकि इनडायरेक्ट सिस्टम जो होता है वो लेते हैं हम स्पन यार्न्स के लिए काम में। आप समझ गए किसके लिए लेते हैं हम काम में? स्पन यार्न के लिए। और यहाँ पर आपका जो मास है, यूनिट मास है, वो उतना ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर मास वही रहेगा और उसकी लेंथ बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर लेंथ वही रही थी, मास चेंज हो सकता था, यहाँ पे मास वही रहेगा, यहाँ पे लेंथ चेंज हो सकती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये यार्न नंबरिंग सिस्टम में दोनों को कंपैरेटिव आपको एक स्टेट बना के आप मैंने दिखाने की कोशिश की है। केवल डेनियर और टैक्स तक ही ये पैरामीटर्स सीमित नहीं है, यानी डेनियर अभी मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से होता है हमारा टैक्स भी, उसी तरह एक होता है डिटैक्स, मिलीटैक्स, किलो टैक्स, ग्रिस्ट, सिल्क काउंट। ये सब क्या है? नेम ऑफ द सिस्टम। किस चीज के? यार्न नंबरिंग के। ये पैरामीटर्स हैं, जैसे आपके किलो, पौंड, ये सब होते हैं। इसी तरीके से ये जितने आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब यार्न को मेजर करने की यूनिट्स हैं। क्लियर? अब हम यहाँ बात करते हैं, ये आपके नंबर ऑफ द सिस्टम्स, कौन कौन से आपके नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं? डेनियर, टैक्स, डिटैक्स, मिलीटैक्स। अब जैसे डेनियर है तो यहाँ नंबर ऑफ ग्राम्स, और ये बदलेगा नंबर 9000 मीटर्स, जो उसका धागा है उसकी जो लंबाई है वो वही रहेगी। 9000 मीटर धागे का वजन क्या है? वो उसका डेनियर कहलाएगा। या 1000 मीटर धागे का कितने ग्राम है, उसका कितना वजन है, वो कहलाएगा टैक्स। इसी तरीके से 10000 मीटर धागे का वजन कितना है ग्राम्स में, वो कहलाएगा उसका डिटैक्स। इसी तरह है मिलीटैक्स, किलोटैक्स, ग्रिस्ट एंड सिल्क काउंट। तो यहां पर ये इनकी यूनिट ऑफ लेंथ दे रखी है, ये नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? ये। और उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि धागा कितना मोटा है और कितना पतला है। जैसे आप इसको उदाहरण के लिए आप एक ऊन का गट्टा ले लीजिए, ऊन की एक बॉल ले लीजिए, और आप उसको सोचिए कि अगर ऊन की एक बॉल है, मान लीजिए वो 250 ग्राम की एक बॉल है हमारे पास में, उस 250 ग्राम की बॉल के अंदर आपके पास है 9000 मीटर धागा। हम एक एग्जांपल की तरह मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मान लीजिए उसमें 9000 मीटर धागा है और उसका वजन है आपका 250 ग्राम। अब ये 9000 मीटर धागा का वजन 250 ग्राम भी हो सकता है, और 9000 मीटर धागे का वजन 500 ग्राम भी हो सकता है, और 1000 ग्राम भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा उसका वजन होता चला जाएगा, यानी धागा उतना पतला होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए 9000 धागे का वजन 250 ग्राम है, तो वो धागा का साइज जो 500 ग्राम वाला है उससे मोटा होगा, और जो धागा जो वही बॉल जो है 9000 मीटर लंबी ऊन का अगर जो वजन है वो 1 किलो होता है, पाउंड्स में हम लेते हैं, अगर 1 किलो उसका वजन होता है तो उसकी वो धागा पतला होता चला जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि ये है डायरेक्ट सिस्टम में और ये है इनडायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम में, जिसमें कि मैंने आपको कॉटन काउंट का उदाहरण दिया था। तो ये जितने भी हैं ये उसी तरीके से ये उसके सिस्टम्स हैं। इनको आप अच्छी तरह लिख के याद करिएगा ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जानने के बाद में, यार्न नंबरिंग सिस्टम को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा तंतु है उसकी क्या क्या
प्रॉपर्टीज होती है इसमें की फिजिकल मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेन होती है। लेकिन आज जो हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर में इस लेसन में वो है कि इनका जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है किसका इन तंतुओं का स्ट्रक्चरल फैक्टर मतलब उनकी जो संरचना है वो हम जानेंगे कि वो किस तरीके से तंतु की विशेषताओं को प्रभावित करती है। इसको जानने के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसकी के आपने पिछले एक सेक्शन में पढ़ा था मेरे पिछले वीडियो में आपने फाइबर पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था और वहां मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर पॉलीमर्स होते हैं उनका एक अरेंजमेंट होता है वो किस अरेंजमेंट में लगे होते हैं वो फाइबर की प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी मैटर होता है चाहे वो आपका फाइबर ही क्यों ना हो जो भी मैटर है पूरी सृष्टि के अंदर तो वो मैटर बनता है किससे एटम से अणुओं से और ये जो अणु है ये आपस में बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी अलग अलग मजबूती होती है। कोई कम मजबूत होते हैं कोई ज्यादा मजबूत होते हैं कोई मॉडरेट होते हैं। तो ये बॉन्ड्स अलग अलग प्रकृति के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स वैन डेर वाल्स फोर्सेस इस तरीके के कई बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये जो एटम्स होते हैं ये इन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो जो ज्यादा मजबूत अगर बॉन्ड होगा तो नेचुरल है कि उस फाइबर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो जहां पर इन बॉन्ड्स में कमी कमजोरी होती है या ये बॉन्ड कम ताकत वाले होते हैं तो वो टूट जाएंगे और फाइबर की स्ट्रेंथ वहां पे कम हो जाएगी। तो इन एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो और जो तंतु इन बॉन्ड्स की जो मजबूती होती है दो चीजें हैं एक तो अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन देम। ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर तंतु की प्राकृतिक विशेषताओं को ये प्रभावित करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पहले होते सिंगल बॉन्ड्स की और डबल बॉन्ड्स की। सिंगल कैसे एक आपको मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग अरेंजमेंट फाइबर की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है। अब आप इसमें यहां समझिए ये है जो सिंगल बॉन्ड फाइबर्स होते हैं जिनमें जो फाइबर्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ज्यादा अधिकता होती है उनकी मजबूती कम होती है वो फ्लेक्सिबल भी अधिक होते हैं उनकी मजबूती कम होती है सिंगल बॉन्ड फाइबर्स की। ये इजी मूवेबल पॉलीमर सिस्टम इनके अंदर होता है जो आसानी से डिसलोकेट हो जाता है जो आसानी से इधर उधर हो सकता है वो होते हैं सिंगल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है फाइबर के अंदर यार्न तो यार्न फाइबर से मिलके बना होता है फाइबर्स एटम से बने होते हैं उनका एक मॉलिक्यूलर सिस्टम होता है उनका एक एटम का अरेंजमेंट होता है वो उसकी यार्न की प्रॉपर्टी को प्रभावित करेगा और जो यार्न की प्रॉपर्टी होगी वो फाइनली आपके फैब्रिक की प्रॉपर्टी बनने वाली है। तो इसलिए जो यार्न की प्रॉपर्टी है जो फाइबर की प्रॉपर्टी है उनमें अगर सिंगल बॉन्ड अधिक है तो वो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी वो अधिक फ्लेक्सिबल होंगे उनका जो पॉलीमर सिस्टम है वो मूवेबल होगा। इसी तरह दूसरी बात हम करते हैं आते हैं डबल बॉन्ड्स की तरफ। तो जो डबल बॉन्ड्स जिनमें अधिक होते हैं वो फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मजबूती ज्यादा होगी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी उनमें नो मूवेबल पॉलीमर सिस्टम होगा यानी पॉलीमर सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होता है वो इतनी आसानी से इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलिनिटी की। क्रिस्टलिनिटी क्या चीज होती है आपको पता है जैसे इसको उदाहरण इस तरीके से लीजिए जो ठोस जिसको हम बोलते हैं ठोस का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने दो या चार ईंटें पास 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 में रख रखी हैं और उन ईंटों के बीच में कितनी जगह है वो बताता है कि आपकी कितनी अमॉर्फस एरिया ज्यादा है या ठोस है। तो ठोस जो चीज होगी जो भी पदार्थ होगा उसमें
अंदर किसी चीज को पेनिट्रेट करने की जगह कम होगी, जो अमोर्फस है उसमें वो जगह ज्यादा होगी। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन रीजन है जो हमारे तंतु की अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करता है, उसकी मजबूती को प्रभावित करता है, उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, घर्षण के प्रति उसकी क्षमता होती है, घर्षण के प्रति प्रतिरोधकता होती है। तो जिन फाइबर्स में जो मॉलिक्यूल्स अगर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, आप समझिए इस चीज को, जिन फाइबर्स में अणु जब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, यानी बराबर बराबर सीधा सीधा एकदम पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, वो उनमें मजबूती ज्यादा होती है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा घने होते हैं, सघन होते हैं, उनकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है यानी उनमें जो खिंचने की क्षमता होती है वो कम होती है, उनमें जो स्टिफनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कड़क होते हैं ये, और ये मॉइस्चर की एंट्री और जो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं रंजक के जो अणु होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं, रोकेंगे क्योंकि उनमें जगह ही नहीं है, उनमें अंदर आने के लिए कोई स्पेस नहीं है, कम होती है स्पेस, और या उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स को अंदर पुश करना पड़ता है। इसके बाद हमारा दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें नॉन क्रिस्टलाइन रीजन की। अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन रीजन, अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन रीजन की। नॉन क्रिस्टलाइन रीजन यानी कि जो अमॉर्फस एरिया है, जहां पर जो फाइबर मॉलिक्यूल्स है वो रेंडमली अरेंज है, यानी दूर 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 दूर, तो ये स्पेस ज्यादा है यहाँ पर। हाँ, जब ये स्पेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो डाई मॉलिक्यूल है वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी, यहाँ बिल्कुल पास 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 था, तो यहाँ आने की जगह कम रहती है पानी की, डाई मॉलिक्यूल की, या जो भी आप ऑक्सिलरीज फिनिशिंग मटीरियल इस्तेमाल करते हैं उनकी। तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइन रीजन होता है किसी भी फाइबर के अंदर, उसको डिफाइन करता है कि उसकी मजबूती कम होगी, वो ज्यादा इलास्टिक होगा, खिंचने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी, उसमें मॉइस्चर आसानी से अंदर जा सकेगा, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, लचक उनमें ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल मैंने दिया है, उसमें है कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उसमें 65% एरिया क्रिस्टलाइन होता है और 35% नॉन क्रिस्टलाइन रीजन होता है। तो ये जो 35% नॉन क्रिस्टलाइन रीजन होता है ये उसको एब्सॉर्बेंसी देता है, और ये जो 65% क्रिस्टलाइन एरिया है ये उसको मजबूती देता है, और ये उस नॉन क्रिस्टलाइन एरिया उसकी अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, उसकी एब्सॉर्बेंसी को इंक्रीज करता है। क्लियर। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ज्यादा लंबे चलते हैं, इतनी आसानी से ये नहीं फटते हैं जितने आपके कॉटन के कपड़े फट जाते हैं। तो इसीलिए, और खास तौर से अगर आप कॉटन के कपड़े को कुछ दिन तक बाहर धूप में डाल दें और उसको बाहर से लाना भूल जाएं तो क्या होगा, वो पड़े पड़े गल जाता है, धूप में धूल के अंदर कपड़ा गल जाता है, लेकिन सिंथेटिक कपड़ा आपका नहीं गलता है। वो इसीलिए नहीं गलता क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, सिंथेटिक यार्न्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं उनमें वो हाई, उनमें क्रिस्टलिनिटी हायर साइड में होती है, वो अधिक क्रिस्टलाइन होते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं, प्लीज नोट डाउन करते जाइए। जहां आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती, कोई भी आपकी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपको समय पे जवाब देने की। इसके बाद ये आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको देने की कोशिश की है कि ये एक फाइबर है जिसमें डिफरेंट रीजन्स हैं। जैसे ये यहाँ तक जो रीजन आपको दिख रहा है ये है परफेक्ट क्रिस्टल, आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको स्पेस नहीं दिखेगी। तो ये क्या है, ये है क्रिस्टल, ये मजबूत भी होगा और एब्सॉर्बेंट भी नहीं होगा। फिर है पैरा क्रिस्टलाइन, यानी थोड़ा 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 क्रिस्टल क्रिस्टलाइन, थोड़ा थोड़ा अमॉर्फस। फिर है अमॉर्फस विद कोरिलेशन, ये
बहुत ज्यादा पैराक्रिस्टलाइन भी जिसको हम नहीं कह सकते, जिसको हम अमॉर्फस भी नहीं कह सकते, वो है हमारा अमॉर्फस विथ कोरिलेशन, यानी इसमें थोड़ी स्पेस बढ़नी शुरू हो जाती। फिर है हमारा होली अमॉर्फस, जिसमें आप देखिए यहाँ पर कितनी स्पेस है। तो आप इस एरिया से, इस पिक्चर से आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्रिस्टलिनिटी होती है, क्या पैरा क्रिस्टलिनिटी होती है, कौन सा रीजन अमॉर्फस कहलाता है और वो किस तरह से तंतु की विशेषता को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हम ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या चीज होती है? जमाव, जमाना, कोई चीज किस तरीके से जमी हुई है, वो है ओरिएंटेशन। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ मैंने आपको बहुत क्लियर, जो भी मॉलिक्यूलर चेन्स होती है, किस चीज का ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन मॉलिक्यूलर चेन्स का। मॉलिक्यूलर चेन्स यानी जो आपके एटम्स हैं, जो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्डिंग से जो जुड़े हुए हैं, ये मॉलिक्यूलर चेन्स किस प्रकार अरेंज्ड है, किस फैशन में अरेंज्ड है। ये अगर हाईली हाई ओरिएंटेशन में है, तो यानी ये बिल्कुल बराबर एक दूसरे से सट के लगी रहेंगी। दूसरा टर्म है लो ओरिएंटेशन, यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कि ये किस तरीके से बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। तो ये लो ओरिएंटेशन कहलाता है, ये हाई ओरिएंटेशन कहलाता है। यानी जितना ज्यादा ओरिएंटेशन होगा, वहां हम कहेंगे कि उसकी क्रिस्टलिनिटी उतनी ज्यादा होती है। जितना ओरिएंटेशन ज्यादा है, क्रिस्टलिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ आप ये देखिए, जो हाई ओरिएंटेड फाइबर्स होते हैं, उनकी क्रिस्टलिनिटी 85% तक होती है, और जो लो ओरिएंटेशन वाले होते हैं, उनकी क्रिस्टलिनिटी 60% तक होती है। तो फाइबर मॉलिक्यूल्स को दो तरीके से अपन देख सकते हैं, एक होता है पैरेलली अरेंज्ड और एक होता है रैंडमली अरेंज्ड। यानी जो पैरेलली अरेंजमेंट होता है फाइबर मॉलिक्यूल्स का, उनको हम कहते हैं, वो होते हैं हाईली ओरिएंटेड फाइबर्स। और जिनमें रैंडमली यानी कैसे भी किसी भी प्रकार से होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं लो ओरिएंटेड पॉलीमर्स, जो यहां मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये देखिए, ये चीज। फिर आती है आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली ओरिएंटेड फाइबर्स, ये क्या होते हैं? जो हाईली ओरिएंटेड फाइबर्स कौन से थे? ये वाले। इनमें मजबूती ज्यादा होगी, क्रिस्टलाइन होंगे, एब्जॉर्बेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनमें स्पेस नहीं है। इलास्टिक, खिंचेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, वो इनके ओरिएंटेशन की वजह से भी होती है। गुड शाइंस का मतलब क्या निकला? चमक ज्यादा होगी। अब आप कहेंगे कि इनके पैरेलल होने से चमक कैसे होगी? देखिए, आप लाइट का सीधा सा सिद्धांत है कि अगर जो सीधी सरफेस है, प्लेन सरफेस पर लाइट रेज अगर पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर नहीं जाती, स्कैटर नहीं होती है, तो वो सतह आपको बहुत चमकीली दिखाई देगी। तो ये जो हाईली ओरिएंटेड फाइबर्स जो होते हैं, उनमें यही फिनोमिना काम करता है कि जो रेज जब उस पर गिरती है, तो वो अंदर एब्सॉर्ब कम होती है, रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, उसमें चमक वो उतना ही अधिक हमको दिखाई देगी। ये आपको कुछ डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन के एग्जांपल्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तरह तरह का ओरिएंटेशन होता है, और इनकी सबकी, तो ये जितना तरह का ओरिएंटेशन है, ये सब फाइबर्स की प्रॉपर्टी को अलग अलग कर देते हैं। किसी में अवशोषण की क्षमता कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, कोई ज्यादा मजबूत होता है, डेंसिटी किसी की ज्यादा होती है, कोई गर्म ज्यादा होता है, कोई कम गर्म होता है। तो ये सारी की सारी उसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी की सारी चीजें उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से भी, जो उसके स्ट्रक्चरल चेन अरेंजमेंट है, उससे भी प्रभावित होती हैं। ये जितनी चीजें आपको अभी मैंने बताई, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी टेक्सटाइल अपेरल को, अपेरल इज आपका जो कपड़ा है, आप जो पहनते हैं, उसको बनाने के लिए, अब हर चीज से बहुत तरीके के आपको धागे के नुमा
पदार्थ प्रकृति में मौजूद है, घास भी है, लंबी होती है, लेकिन उसे कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जो टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, जिनमें कपड़ा बनाने के गुण, कुछ विशेष गुण होने चाहिए उनमें, और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो यहाँ बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है वो है इलोंगेशन एट ब्रेक। खिंचना भी चाहिए कपड़ा आपके बदन पे, आप इतनी एक्टिविटीज करते हैं, चलते हैं, हाथों से आप बहुत सारी वजन उठाते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, तो उनमें इलोंगेशन एट ब्रेक एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें देखना होता है कि कपड़ा कितना तनाव सहन कर पाएगा। टेनेसिटी, उसकी मजबूती कितनी है, उसकी इलास्टिक रिकवरी कितनी है, यानी वो कितना खिंच सकता है। उसकी जो जीरो स्ट्रेंथ टेम्परेचर, यानी कि उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो कितना टेम्परेचर को वहन कर सकता है। एब्रेजन रेजिस्टेंस, उसमें कितनी घर्षण की क्षमता है। उसकी एब्जॉर्बेंसी कैसी है, भारत जैसे गर्म देश के अंदर अगर कपड़े में एब्जॉर्बेंसी नहीं होगी, पसीना सोखने की क्षमता नहीं होगी, तो वो बहुत ही वो मार्केट से रिजेक्ट होगा, कम पहना जाएगा, क्योंकि यहाँ पसीना ज्यादा आता है। स्पोर्ट्समैन है, अगर स्पोर्ट्स वियर के अंदर पसीना सोखने की क्षमता नहीं होगी तो वो आरामदेह नहीं रहेगा और वो परफॉर्मेंस को प्रभावित करेगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ये इसीलिए ध्यान में रखी जाती है। डायबल होना चाहिए, सबको रंग बिरंगा कपड़ा चाहिए होता है, हर प्रेफरेंस अलग अलग होती है कंज्यूमर्स की, कंज्यूमर्स की मांग अलग अलग होती है, और उसका जो एंड यूज होता है वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो डायबिलिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डायबिलिटीज के कई फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से तंतु में डायबिल होते हैं। कोई किसी रंजक के प्रति रखते हैं अपनी एफिनिटी रखते हैं, कोई किसी रंजक के प्रति, किसी डाय के प्रति अपनी एफिनिटी रखते हैं। इजी केयर होना चाहिए, आसानी से धुलने और संभाल करने वाला होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनसॉल्युबल होना चाहिए, घुलनशील नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की जितनी बातें इस चैप्टर में मैंने समझाई है ये आपको क्लियर हो गई होंगी, और आप अगले क्लास के लिए तैयार होके आइएगा और अधिक से अधिक पढ़ के आइए और अपनी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लेकर के आए, ताकि हम हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले और मुझे भी पता चले कि आप लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या चीज और समझ रही है, क्या आप जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।